हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहली चीज़, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। इस साल मैं न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन कर रही हूँ। सो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं टैरो रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। सो आपको इस चैनल के ऊपर एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग के रिगार्डिंग वीडियोज़ या वास्तु फेंगशुई टिप्स के ऊपर वीडियोज़ मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम और इल्स ऑन फेसबुक। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स अवेलेबल है। मेरी वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हो, जहाँ पर क्लाइंट्स के रिव्यूज़ हैं। एंड ऑल्सो ब्लॉग्स अवेलेबल है जोडियक साइंस के ऊपर, नंबर्स के ऊपर, एंजल नंबर्स के ऊपर भी। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि 2023 क्या है, क्या प्रभाव लेके आने वाला है ईच एंड एवरी नंबर के लिए। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, 2023, ठीक है, कहने को तो इसके लास्ट के 23 नंबर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बट ध्यान रखिएगा, इस साल आपने 2023 नहीं लिखना है। अगर हो सके, आपको मौका मिले, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप डेट महीना लिखोगे और 23 खाली लिखोगे। 23 को जब भी हम ऐड करते हैं, 2 + 3 = 5 बन जाता है, बहुत शुभ नंबर माना जाता है न्यूमरोलॉजी का ये। वहीं जब हम 23 + 2 कर देते हैं, जैसे कि 2 + 0 + 2 + 3 = 7 हो जाता है, जो कि केतु महाराज का नंबर है। केतु देव के बारे में मैं आपको बस कुछ ही देर में बताऊंगी, बट पहले मैंने ना सारे पॉइंट नोट डाउन करके रखे हैं। भैया 2023 को लकी ऑस्पिशियस बनाने के लिए क्या करना है, चाहे आपका कोई भी नंबर हो, आपने ये उपाय करने ही करने हैं ऑल ओवर करियर को सपोर्ट और गुड लक देने के लिए। सबसे पहली चीज़ मैंने बता दी, लिखना 23 है, 2 3 आप लिखोगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे, एक सपोर्ट बन जाएगी, क्योंकि आप केतु को ज़्यादा एक्टिवेट नहीं कर रहे हो, आप 5 नंबर को एक्टिवेट कर रहे हो। तो जितने भी लोग बिजनेस में हैं, कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहते हैं, जॉब में भी हैं, प्रमोशन भी चाहते हैं, जो भी हो, एक ऑस्पिशियस नंबर आप ऐड करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं केतु को एक पाप ग्रह ही माना जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस ग्रह को ज़्यादा एक्टिवेट ना करें, हम दूसरे रूपों से शुभ नंबरों को, शुभ ग्रहों को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे इस साल में, तो शुभ और अच्छा माना जाएगा, सपोर्ट रहेगी। केतु के जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, और उसे भी कैसे एक्टिवेटेड रखना है आपके जीवन में वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे पहला पॉइंट 2023 का, ध्यान रखिएगा। अब है केतु महाराज का नंबर। केतु क्या है? केतु को कहा जाता है, राहु अगर सर हैं तो केतु उनका शरीर, या कुछ लोग उसे केतु टेल भी कहते हैं, तो अलग अलग प्रभाव के नाम हैं। बट केतु की कैसी एनर्जी है, उसे हम कहते हैं रिसर्च के लिए, एनालिसिस के लिए, डीप थिंकिंग के लिए। कहते हैं कई बार कोई अनवांटेड बीमारी हो जाए, हमें पता नहीं भाई ये बीमारी क्यों हुई है, इसका हमें इलाज नहीं मिल रहा, हमें ये डायग्नोज नहीं कर पा रहे इस बीमारी को, केतु महाराज इसके कारक हैं। कई बार आपके जीवन में आप देखोगे अननेसेसरी प्रॉब्लम हो रही है, काम होते होते रुक जाते हैं, इसके लिए भी केतु जिम्मेदार हैं। तो कहीं ना कहीं केतु का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव माना जाता है इन एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो एंड इन न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। सो केतु महाराज का जब ये साल आ रहा है, तो ये अपने आप में पहली चीज़ तो ये मत सोचिएगा कि भाई बुराइयाँ ही लेके आ रहा है, नहीं 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 केतु महाराज को अगर आप सही तरीके से एनर्जीज को जितना कोशिश करोगे अलाइनमेंट में करने के लिए, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। बिकॉज केतु आपका धार्मिक भी है, केतु स्पिरिचुअलिटी भी है, केतु आपके मन का इंट्यूशन से कहते हैं ना, शक्तियाँ, तांत्रिक शक्तियाँ, इंट्यूशन की शक्तियाँ, और भी धार्मिक शक्तियों के सबके कारक केतु महाराज है। केतु की कहीं कहीं प्लेसमेंट या केतु के कहीं कुछ कॉम्बिनेशन इन न्यूमरोलॉजी ऑल्सो बहुत हद तक इंसान का कैरेक्टर, एनर्जीज, नेचर एंड स्वभाव बता देते हैं। शांत स्वभाव के भी माने जाते हैं केतु। केतु बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बाहर दिखावा नहीं, केतु अपने अंदर काम करना पसंद करते हैं। तो जब आपके जीवन में केतु एक्टिवेट होते हैं, तो वो आपको अंदर से काम करना सिखाएंगे, भाई इंट्यूशन से, डीप एनालिसिस। आप लोगों को बोलते नहीं फिर भी मुझे ये करना है, वो करना है, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, नहीं। केतु थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, केतु डीप एनालिसिस जानता है, वो डीप रिसर्च जानते हैं। सो केतु की एनर्जी बहुत बहुत ही ज़्यादा एक मैं कहूँगी कि ऐसा होता है जैसे कि इंसान अपने केव में बैठ के रिसर्च कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, साइंटिस्ट हो गए, रिसर्चर्स हो गए, उस टाइप की डीपर एनर्जीज को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो अब आपके नंबरों के साथ में कैसे कैसे प्रभाव इसके बनेंगे वो हम जानेंगे, बट पहले हम और एक पॉइंट पर चलते हैं। केतु महाराज का सबसे पसंदीदार उपाय कहा जाता है डॉग्स की सेवा।
डॉग्स की सेवा आप जरूर 2023 में करें, वैसे तो जब हर साल हर समय करो, बिकॉज आई एम अ डॉग लवर, ओके। बट अगर आपको डॉग्स पसंद नहीं है, मेरे पास बहुत से लोग ऐसे आते जो कहते हैं हम आई डोंट लाइक पेट्स, आई डोंट लाइक कैट्स, आई डोंट लाइक डॉग्स, हम नहीं दे सकते, हमारे एरिया में डॉग्स नहीं। जैसे अब्रॉड आप चले जाओगे, अब्रॉड में इजिली स्ट्रीट डॉग्स अवेलेबल नहीं है। जितने लोग के आसपास में डॉग्स हैं, ज़रूर डॉग्स की सेवा करें, एंड स्पेशली वो लोग तो ज़रूर करें जिन्हें पता है उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, केतु की दशा चल रही है, केतु का प्रभाव चल रहा है, या 7 नंबर हैं ऑलरेडी, या उनका डेस्टिनी नंबर 7 है, वो तो ज़रूर करें डॉग्स की सेवा। उनको सिर्फ लाभ ही लाभ मिलेगा, कुछ बुराई नहीं होने वाली है। किसी पंछी जानवर को खिलाने से कभी बुरा नहीं होता है, सिर्फ आपके ही बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो ज़रूर ये उपाय आप कीजिएगा। एंड उसी के साथ साथ जितने लोग नहीं कर सकते हैं, वो और भी किसी प्रकार का दान पुण्य कर सकते हैं। कोई फिजिकल नीड में किसी को हेल्प चाहिए, किसी को मनी वाइज हेल्प चाहिए, तो चैरिटी जितनी हो सके, कोई भी संस्था, गुरुद्वारा, मंदिर, जहाँ पर भी आप चाहें, वहाँ पर सेवा दान पुण्य ज़रूर करना है। केतु के महा से महा उपाय का आपको यहाँ पर आपको रिजल्ट आसानी से मिलता रहेगा, और एक आपको खुद ही फील होगा भाई, जब आप दान करके आओगे ना, आपको लगेगा भाई कुछ महीनों में आपके काम बनने लग जाएंगे, आपको पॉजिटिविटी फील होगी, आपको लगेगा नेगेटिविटी कम हो रही है। तो ये सबसे सेकंड महा उपाय माना जाएगा 2023 का, जो आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप हर रोज़ नहीं दे पाओगे कोई भी दान पुण्य, महीने में एक बार दो, हफ्ते में एक बार दे लो, नो प्रॉब्लम, बट इसे कंसिडरेशन में ज़रूर रखना। दान पुण्य सेवा ज़रूर करनी है 2023 में, केतु महाराज का सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी ये मानी जाती है। अब इसके साथ में मैंने काल सर्प दोष का पॉइंट भी कवर कर लिया है। जो 2023 है, इन सब के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंट्यूशन भी आपका बढ़ने वाला है। आपको लगेगा कि भाई आप ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो, मेडिटेशन कीजिएगा, योगा कीजिएगा, धार्मिकता को ज़रूर 2023 में ऐड कीजिएगा। चाहे वो कोई बुक्स पढ़ना हो गया, कोई एनालिसिस हो गया, कोई वीडियोस देखना हो गया, कुछ भी हो गया, आप कोई भी जीवन की परेशानी में ना, उस पर रिसर्च करना, सोचना, अपने बड़ों से बात करना, ज्ञान लेना, ज्ञान या कुछ नई चीज़ें सीखना, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आना। बहुत लोग हो सकते हैं कि नो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट और अपना उनका बढ़ जाए, हमें न्यूमरोलॉजी सीखनी है, हमें एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, हमें टैरो सीखना है, हमें हीलिंग करनी है, या अपने आप के ऊपर आप काम करने की कोशिश करोगे, योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, रूटीन में आने की कोशिश करोगे। केतुदेव को रूटीन्स बहुत पसंद हैं, तो ये अपने आप में आपकी नो एनर्जीज ऐसी होती जाएंगी जहाँ पर यू रियलाइज कि हमें अपने ऊपर काम करना है, हमें अपने आप को डेवलप करना है। तो आपकी एनर्जी भी बाहरी दुनिया से, वो क्या मेरे बारे में सोच रहा है, मैं ऐसा करूँगा तो वो क्या करेगा या कहेगी, इससे हटकर आपकी एनर्जीज ऑटोमेटिकली 2023 में खुद के ऊपर आएंगी, सिर्फ अपने ऊपर कि नो हम खुद को कैसे स्ट्रांग बनाएं, बेहतर करें, अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ाइए, अपनी ऑरा स्ट्रांग कीजिए। जो भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, जब आप इस सहारे से लेकर करोगे ना, बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको अपने आप में मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। लर्न समथिंग न्यू भी हो चुका है, मेडिटेशन भी हो चुका है, इंट्यूशन की इंपॉर्टेंस भी हो चुकी है। अब एक और चीज़, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तीनों पथ पर कहा जाता है केतु महाराज जब भी एक्टिवेट होते हैं तो कहीं ना कहीं ओवरथिंकिंग बढ़ा भी देते हैं। तो इस ओवरथिंकिंग को हमें कम कैसे करना है? आपको लगेगा कि भैया थोड़ा सा ना, जितने भी लोग थोड़ा सा आपको लगता है कि आप जल्दी डिप्रेस हो जाते हो, जल्दी टेंशन में आ जाते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ध्यान देना है इस साल में कि अपनी कोशिश कीजिए, जैसे ही आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग होगी, पता नहीं ये थॉट मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, ओवरथिंकिंग हो रही है, जस्ट इग्नोर इट। मैं रिपीट करती हूँ, इग्नोर कीजिएगा, अपनी ओवरथिंकिंग को बैठ के माइंड में सॉर्ट आउट करने की कोशिश मत करना, बिकॉज वो सिर्फ केतु एक्टिवेटेड है जहाँ पर आपको लगेगा भाई मुझे ओवरथिंकिंग क्यों हो रही है। अगर हो भी रही है, साल में कभी भी हो रही है, आई नो आजकल का ज़माना ऐसे, ओवरथिंकिंग कभी भी किसी को भी होती ही रहती है। एक्चुअली मैं कहूँगी आजकल का टेंशन स्ट्रेस इतना चल रहा है कि हमें कोई ना कोई बात पे दिमाग चलता ही रहता है, रुकता कहाँ है, दिमाग तो ऑल टाइम चलता है, लेकिन तब भी इसको एनर्जीज को बैलेंस कैसे रखना है, ये ओवरथिंकिंग को, जिनको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लो फील करते हैं, डल फील करते हैं, तो 2023 आपको और उस डीप एनालिसिस में और ना खींचे ओवरथिंकिंग में, तो आपको अपवर्ड्स एनर्जीज अपनी कैसे रखनी है। 2023 का सबसे बड़ा पावर यही है, स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन, मेडिटेशन, हीलिंग पर फोकस। डेली आपने अपने आपको एक घंटा देना ही देना है सेल्फ डेवलपमेंट को। आप मानोगे नहीं, 2023 आपके लिए इतना पॉजिटिव बन जाएगा, इतना पावरफुल बन जाएगा, आप कहोगे कि यार मेरा आज तक इतने साल अच्छे नहीं गए जितना मुझे 2023 ने दे दिया है। बस आप ये एक घंटा खुद को दे देना, खुद के एनालिसिस, कहते हैं ना सोल, माइंड एंड बॉडी के ऊपर अपनी काम करना, 2023 में आपकी जितनी भी हीलिंग है ना, वो ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी रिकवरी होगी और आपको कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस आप अपनी रूटीन पे कवर अप रखना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे।
तो ये एस्पेक्ट भी हमने क्लियर किया है स्ट्रेस का। यहाँ पर आपने क्या करना, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब जितने भी लोग इस फील्ड में हैं, जो लोग रिसर्च में है, क्रिएटिव लाइन में है, स्पिरिचुअलिटी में है, उन्हें लगता है कि नो कि हम एक मैं कहूँगी कोई भी सिंगिंग डांसिंग एनालिसिस किसी भी इस टाइप के फील्ड में हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कामों में भी हैं, उन लोगों के लिए भी ये साल बहुत एक पुश लेकर आएगा, पॉजिटिविटी लेकर आएगा, सपोर्ट लेकर आएगा, और आपका इंट्यूशन क्रिएटिविटी काम बहुत बढ़ने वाले हैं। चाहे आप होटल मैनेजमेंट कह लो, ज्वेलरी आइटम्स कह लो, खुद के ऊपर काम करना कह लो, ब्यूटी कह लो, ये सारा क्षेत्र बहुत खूबसूरती से बढ़ने वाला है। केतु महाराज को क्रिएटिविटी का भी कहा जाता है क्योंकि इंट्यूशन है, एनालिसिस है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इन करियर फील्ड्स में भी मिलेंगे। अब एक और चीज़, जितने भी लोग अब्रॉड भी जाना चाहते हैं, प्लान करें कि भाई 2023 में हमें अब्रॉड जाना है, अब आपके पर्सनल नंबर्स जो होंगे बर्थ नंबर उसके साथ भी मैं कंबाइन करके आपको और अच्छे से बताऊंगी कि भाई कितना पोटेंशियल बढ़ रहा है, बट ऑल ओवर 2023 की एक वाइब ज़रूर रहेगी ट्रैवल की। आप जितने भी लोग ट्रैवल प्लान कर रहे हो, सिटी चेंज करना चाहते हो, कंट्री चेंज करना चाहते हो, आपको एक भी 2023 में बड़ा ट्रैवल करना है, हमें अब्रॉड जाना है, तो अभी तक आपके अब्रॉड जाने के काम जो अटके हुए थे 2023 में, बहुत हाई चांसेस है कि वो बन जाएंगे और उसमें आपको अच्छा रिजल्ट्स देखने मिलेगा। सो ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे 2023 की वाइब एंड एनर्जीज कैसे रहने वाली है और आप उसको कैसे चैनलाइज कर सकते हो ताकि आपको पॉजिटिविटी मिले। तो ज़रूर ज़रूर इस पैटर्न को आप यूज टू हो जाइए, इसे ट्राई कीजिए, कोशिश करिए, क्योंकि कहीं ना केतुदेव आपको लेजी बनाने की भी कोशिश करेंगे। इसीलिए अपनी विल पावर, अपना पुश, अपनी रूटीन आप पक्की रखोगे ना तो चीज़ों को बहुत खूबसूरती से मैनेज कर लोगे और बैलेंस कर लोगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, अब हम वन बाय वन आगे आप न्यूमरोलॉजी की सीरीज एंड नंबर्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो नंबर 3, जिसे हम कहते हैं मुलांग 3। सो अगर आप किसी भी मंथ की यू नो 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को बोर्न है, सो आप मुलांग 3 की कैटेगरी में आते हैं। एंड आपके जो नंबर के लॉर्ड बनते हैं वो जुपिटर बनते हैं, जिसे हम बृहस्पति देव भी कहते हैं। बृहस्पति देव एक ऐसे प्लैनेट है यू नो जो आपकी लाइफ में ज्ञान, ब्लेसिंग्स, विजडम लेकर आते हैं। वहीं यहाँ पर 2023 का टोटल बन रहा है नंबर 7। तो नंबर 3 और नंबर 7 कैसा रहेगा ये कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए? ये कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया और अच्छा कॉम्बिनेशन बनकर आ रहा है, बिकॉज दोनों प्लैनेट्स में एक चीज़ कॉमन है, वो है ज्ञान, रिसर्च, एनालिसिस, टीचिंग, डीप रिसर्च। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको यू नो पीएचडी करना चाहते हो, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो, अपना एक्सपांशन करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ करियर, कुछ नया करना चाहते हो, बड़ा अच्छा साल है। बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस में न्यू स्टार्टअप करना चाहते हो, बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। कोई टीचिंग लाइन में हो, कोई भी रिसर्च की लाइन में हो, कोई भी आईटी लाइन में हो, टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो, बहुत अच्छी मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप 3 नंबर और किसी भी लाइन में हो तो ये 2023 करियर वाइज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ग्राफ माना जाएगा, बहुत अच्छा सक्सेस लेकर आने वाला है। बस अपनी मेहनत और अपने ज्ञान को बढ़ाने में कोई कमी मत रखना। कोर्सेज करने हैं नए, कुछ चीज़ें सीखनी है, आपको कोई एडवाइस चाहिए, जो भी हो उसमें कटौती मत करना, क्योंकि उसमें कंजूसी कर ली ना, उसमें आलस कर लिया ना, तो समझ लो ये साल जो आपको देने आया है वो कहेगा टाटा बाय बाय, तुमने मेहनत नहीं की, अब मैं चला। तो ये हिम्मत होने दीजिएगा, आप अपनी मेहनत आपने पूरी करनी है, ठीक है? अपना हार्डवर्क आप ज़बरदस्त डालिएगा, आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। ये वर्ष आप लोगों के लिए बहुत अच्छी प्रमोशन लाने के पावर रखता है। आपकी जो कला होगी, आपका जो टैलेंट है, उसका रिकग्निशन भी आपको मिलेगा। तो बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन ही आप लोगों के लिए बन के आ रहा है। जो लोग बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा वर्ष और साल है। अब देखो, बृहस्पति एक ऐसा प्लैनेट हम कहते हैं जो लाइफ में जब केतु के साथ जुड़ जाता है तो वो एक ऐसा प्रभाव लेकर आता है आपके जीवन में, जहाँ पर अगर आप बहुत टाइम से आपके काम डिले थे, नहीं हो पा रहे थे, ये वर्ष में काम होने में थोड़ी बहुत देरी आपको फिर से देखने पड़ सकती है, लेकिन एट द एंड वो बहुत ही खूबसूरती से एंड होगा और बहुत ही खूबसूरती से पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेकर आएगा। आपको लगेगा भाई चलो भाई मेरा ये काम हो गया, मेरी लाइफ में मुझे इसके अच्छे रास्ते मेरे खुलने लग गए, बन गए। जितने भी लोग अपनी एजुकेशन से अब्रॉड जाना चाहते हो, उन लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा है। जितने भी लोगों को लग रहा था कि भाई हमारी शादी नहीं हो रही थी, शादी करना चाहते हैं, मैरिड लाइफ में आपका विजडम आपका होगा जो आपके लिए मैरिड लाइफ में अच्छा सुख और पॉजिटिविटी लेकर आ पाएगा। तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा 2023 में अपनी कम्युनिकेशन से चीज़ों को ठीक करें। अगर आपको लगता है कोई इश्यूज हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो कम्युनिकेशन रखें। एक और चीज़, प्लानिंग बहुत कीजिएगा 2023 की।
बिना गोल के बिल्कुल भी मत चलना 2023 में। अपने गोल्स बनाओ, प्लानिंग करो, चीज़ों को लिखो, ऑर्गेनाइज करो कि भैया मुझे क्या करना है मेरी लाइफ में, 2023 मेरा कैसे होना चाहिए। बिकॉज आप मैनेजमेंट बड़ी अच्छी करते हो, आपके अंदर स्किल्स हैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के, सही से देखने के, करने के। इसीलिए इस वर्ष में जो ये केतु महाराज आ रहे हैं ना, वो आपको और प्लानिंग और रिसर्च में मदद करेंगे। जितना आप रूटीन मैनेजमेंट और अच्छे से चीज़ों को करोगे, भाई मुझे इस महीने यहाँ जाना है, मुझे ये ट्रैवल करना है, ट्रैवलिंग के लिए भी ये साल आप लोगों के लिए बहुत लकी है, शुभ है, अच्छा है। तो जितनी आप मैनेजमेंट से चीज़ों को ऑर्गेनाइज, अपने गोल्स बना लोगे ना, उतना ब्यूटीफुली आप एग्जीक्यूट कर पाओगे इस 2023 में। जितना आप अपना एफर्ट डालोगे, उतने आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। हेल्थ वाइज थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ वाइज आपको थोड़ी सी नो छोटी मोटी हेल्थ इश्यू रह सकती है, लेकिन वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगे, चिंता मत कीजिएगा। बस जो भी आपका ट्रीटमेंट होगा उसको ध्यान से आपने फॉलो करना है, डाइट का आपने ध्यान रखना है। ओवरवेट की अगर आपको दिक्कत परेशानी रहती है, सो डेफिनेटली फोर्स लगाकर आपको एक्सरसाइज या अपनी डाइट मेंटेन रखनी होगी, या कोई मेडिकल रीजंस भी है तो उसकी मेडिसिन आप ले सकते हो, जो भी आपका इशू हो। क्योंकि केतु महाराज से थोड़ा सा ऑफ कोर्स लेजीनेस भी आपको कर सकते हैं, तो इस वजह से बैलेंस दोनों चीज़ों का रखना है। देखो, दोनों प्लैनेट्स की जो खास बात है उसका तो आप यूटिलाइजेशन करोगे, लेकिन जो दोनों प्लैनेट्स के अंदर जो नेगेटिव चीज़ें भी हैं उसका उपाय भी करना ज़रूरी है। इसीलिए जो आपके गुरु हैं, जो भी आपके माता पिता हैं, जिन्हें भी आप अपने गुरु मानते हैं, उनका आशीर्वाद, आराधना, जहाँ पर भी आपको शांति मिलती वहाँ जाइए। अगर मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि 3 नंबर इनो ज्ञान गुरु का नंबर है, तो आप लोग को नई चीज़ें सीखना, पढ़ना, यू नो, अपनी एक अपनी दुनिया में रहना सीखने की, आप लोग की सबसे बड़ी हीलिंग वही होती है। तो ज़रूर जो भी आपके मन को खुशी देती है, जो भी न्यू क्रिएटिव काम करना आपको पसंद है, उस पर ज़रूर काम कीजिए। और ध्यान रखिएगा, मूल मंत्र तो आपका यही है, अपने बोलने पर आपने ध्यान देना है, जो आप बोल रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स को अपनी और बढ़ाइए। आपके बोलने वाले काम और भी और उन्नति करेंगे, आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी, लाइक काउंसलर्स हो गए, हीलर्स हो गए, कम्युनिकेशन हो गई, टीचिंग लाइन हो गई, एंड ऑल्सो और भी सारे क्षेत्र इंक्लूडेड हैं इन सारी चीज़ों में। बट ऑल ओवर, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, भैया अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए पूरी कोशिश कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। 2023 ज़रूर आपके लिए पावरफुल और अच्छी सक्सेस लेकर आएगा। सो यस, जितने भी, एक और पॉइंट मैं आपको बोल दूँ, जितने भी लोग कोई मेडिकल लाइन में होंगे ना, स्पेशली जिनके कोई मेडिकल शॉप्स है, कोई आप यू नो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, इन सारे क्षेत्र में भी आपको अच्छी सक्सेस देखने मिलेगी। सो आई होप इस वीडियो से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं 2023 के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर 2023। थैंक यू।